Hello everybody and welcome back to Why I'm English classes. Guys, आज के वीडियो में बात करेंगे किस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस बना सकते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. ऑलराइट, लेट्स सी हाउ टू मेक क्वेश्चंस. हम लोग सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. ऑलराइट, वी आर लर्निंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. और बहुत बड़ी बात होती है कि हमको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना जरूरी होता है. वो क्या होता है? सब्जेक्ट associated with the first form of the verb plus object. This is a very important formula that we need to remember always. Okay, simultaneously इसी के साथ साथ हमको subjects के बारे में भी मालूम होना चाहिए. वो कौन से होते हैं? मैंने आपको method बताया था कि subjects को अपने दिमाग में आपको कैसे रखना है. How to keep those subjects in your mind so that you won't forget it. बिकॉज कई बार होता है कि आप गलत एसोसिएशन कर देते हो तो आप क्या कहना चाहते हो और आप क्या बोल जाते हो. इस मैथड से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. कैसे? सब्जेक्ट्स को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से फैमिली वन और फैमिली टू में. फैमिली वन में कौन आ जाएगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाते हैं. जबकि नीचे वाली फैमिली में आ जाएंगे ही, शी, इट, नेम और क्या आ जाएगा? सिंगुलर नाउन आ जाएगा. ओके, नाउन आ जाएगा इस तरह से. फाइन, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे यू प्ले, हम लोगों ने एसोसिएट किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को. यू प्ले क्या? क्रिकेट. अब भाई हमको बनाना है इसका सवाल. हमको सवाल बनाना है. अब ये वाली टेक्निक आप ध्यान से सुनिएगा. मैं आपको दो मेथड सिखाने जा रहा हूं. I'm going to teach you two method, not one method. Okay, पहला वाला मेथड ट्रेडिशनल है, सिखा देता हूं. Okay, dear, actually, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सवाल क्वेश्चंस, ये दो तरह के होते हैं. सवाल दो तरह का होता है. एक तो होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन. ओके, बनाते कैसे हैं? सो फैमिली वन के लिए हम लोग ले लेंगे यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब, वो होगा डू. और फैमिली टू के लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो होगा डज. डज साउंड याद है? बताई थी मैंने. ऑलराइट, नाउ इसको क्वेश्चन बनाना है, सवाल बनाना है. यू प्ले क्रिकेट, बड़ा सिंपल सा आएगा, लगा दीजिए डू. क्या बन गया? डू यू प्ले क्रिकेट. और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क. बन गया डू यू प्ले क्रिकेट. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? इट्स सो ईजी, इट्स सो ईजी. अब आपको बनाना है ही के ऊपर, तो ले लीजिए डज. डज ही प्ले क्रिकेट. इट्स सो सिंपल. डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलता है? क्या वो क्रिकेट खेलता है? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं सामने, तो पूछ सकते हो क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? और अगर आप किसी तीसरे सज्जन के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलता है? ओके, मैं फिर से कह दूं कि अगर आपको फैमिली मेंबर्स को अपने ब्रेन में बिठाना अगर आ जाएगा तो आपके लिए एसोसिएशन करना बहुत आसान हो जाता है. बिकॉज मेरा जो मेथड है सिखाने का, वो है कि आप किस तरह से सब्जेक्ट्स को वर्ब के और ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करके अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं. ऑलराइट, मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले किया डू. अब यहाँ पे क्या एसोसिएशन हो गया? डू यू प्ले क्रिकेट. Do you play cricket? Okay, यहाँ लिख देते हैं play, यहाँ लिख देते हैं go. Okay, do you play cricket? Does she go to temple? कितना सिंपल जाएगा. बस मुझे ये मालूम होना चाहिए फैमिली मेंबर्स कैसे बैठे हैं. अब मुझे इसी सीक्वेंस से क्या पता चल रहा है कि कहाँ मुझे डू लगाना है, कहाँ मुझे डज लगाना है. और मुझे मालूम होना चाहिए मुझे कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है, मैं क्या बताना चाहता हूँ. अगर मुझे कॉम्बिनेशन आ गया, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी. सो क्या बन गया? डू यू गो टू स्कूल. डू यू गो, लिख देते हैं डू यू गो, पूरा कर देते हैं टू स्कूल. क्या तुम स्कूल जाते हो? इट्स सो सिंपल. इस तरह के सवालों को कहते हैं यस नो क्वेश्चन.
अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट, वाई लिख दीजिए, डू यू गो टू स्कूल, व्हेन कर दीजिए, क्या हो गया वाई व्हेन, इन सबको कहते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, तो क्या हो जाएंगे ये व्हेन वेयर व्हाई हाउ, आखिरकार हाउ में भी तो डब्ल्यूएच है, डब्ल्यूएनएच हाउ। ओके, आप इन क्वेश्चन टैग्स को इन हेल्पिंग वर्ब से पहले एसोसिएट कर देंगे तो बन जाएगा सवाल कौन सा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इट्स सो सिंपल। ये है मेथड एक, ये है ट्रेडिशनल मेथड। अब जो लोग एक और मेथड सीखना चाहते हैं वो वीडियो को आखिर तक देखेंगे। ओके, इट्स सो सिंपल। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ और लिखता हूँ वही सेंटेंस, कौन सा था, यू। ओके, एसोसिएशन याद है ना, यू प्ले क्रिकेट। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को एसोसिएट कर रहा हूँ वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और ऑब्जेक्ट जहां पे भी मुझे जो जोड़ना होता है वो मैं अपने वेरिएबल एक्सप्रेशन को साथ में जोड़ लेता हूँ। नाउ यू प्ले क्रिकेट। ओके, अगर मैं बोलने का तरीका कर दूं जिसमें कि आवाज को मैं बढ़ता हुआ बोलूं तो एक क्वेश्चन ज्यादा साउंड करेगा, जैसे सुनिएगा, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। अब देखिए मेरी आवाज थोड़ी सी बढ़ती है, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, अब ये तो साउंड हो रहा है जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ओके, इसको हम लोग कहते हैं पैरा वर्बल कम्युनिकेशन। पैरा वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग टोन, हम लोग किस तरह से, किस लिहाजे में, किस नोट्स में बात कर रहे हैं पता चल जाता है कि आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा। सो क्या हो रहा, यू प्ले क्रिकेट, एक्चुअली हम वो लोग यही कह रहे हैं डू यू प्ले क्रिकेट, लेकिन इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन हुई है। अब कई सारे लोग जो ग्रामर के पीछे पड़े रहते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत इंग्लिश है और ये वाली इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए। एक्चुअली देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ इंग्लिश दैट वी स्पीक एंड वी राइट। आपके घर में मेहमान आते हैं आप क्या बोलते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए ना, आप ये लिख दीजिए जरा कहीं पर, कहीं पर लिखिए आइए 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 बैठिए बैठिए ना। How does it sound? What I want to say, my dear friends, कि बोलने वाली अंग्रेजी में और लिखने वाली अंग्रेजी में भी अंतर होता है। Okay? So, इसी वजह से अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं, इस second method से बोल रहे हैं, तो भी आपकी बात समझ में आ जाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और grammatically अगर आप जाना चाह रहे हैं उस तरह से तो आप वो कहना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन English में दोनों का value of expression same ही है, समझ में वही आएगा। Do you play cricket? You play cricket? ये एक ही चीज का एक्सप्रेशन ही बना रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको बोलना चाह रहे हैं। एंड फाइनली बिफोर साइनिंग ऑफ हमेशा मैं कहता हूँ, आज ही बोलूंगा, अगर बोलना सीखना है तो बोलना शुरू करें। If you want to speak in English, then start speaking in English today. मिलते हैं बहुत जल्दी एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ। Till then, bye.